कि कैसे दिखती है मैं कैसे रोटी बनाती हूँ। तो गाइस अभी जो है हमारी रोटी सिक रही है, तो अभी हम दूसरी रोटी की वो क्या बोलते हैं, दूसरी रोटी को बेल लेते हैं। अरे यार मैं तो भूल गई, सब्जी को निकाल के थोड़ा तवे पे ही रख देती हूँ, उसी पे गर्म हो जाता है, ज़्यादा अलग से गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, मैं जब तक रोटी में घी लगाऊंगी तब तक गर्म हो जाएगा, ये अच्छा है। तो अभी हमारी दूसरी रोटी रेडी है, तो ये देखिए हमारी रोटी एकदम फूल के आ गई। जलना चाहूँ प्लेट। तो ये रहा प्लेट, अब हम इसमें रखेंगे रोटी गरम गरम। तो ये हो गया, अभी ये हमने दूसरी बेल ली है गोल गोल, इसको डाल दूँ। तो गाइस थोड़ा बहुत सब काम कर लेती हूँ मैं, मतलब बचपन से यही किया है तो आएगा ही। तो अभी हम हमारी तीसरी रोटी बनाएंगे फटाफट से, और उसके साथ ये क्या बोलते हैं सब्जी गरम करें। सब्जी को निकाल के ले आऊँ फिर से। तो ये रही मेरी सब्जी, अभी इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही खाना है यार, ज़्यादा खाने का टाइम नहीं है। तो मैं रोटी से सब्जी थोड़ा ज़्यादा ही खाती हूँ, कौन कौन ज़्यादा खाता है कमेंट करके बताना। बहुत लोग होते हैं कि दाल और सब्जी उनको ज़्यादा पसंद होती है, हमको भी है, हमको दाल और सब्जी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी रोटी हो गई, अभी इसको गर्म करें। तो गाइस ये हमारी रोटी अभी बन गई है, इसमें लगाएंगे घी थोड़ा सा, मैं इसमें घी रखती हूँ, स्टील का बॉक्स है, और ये छोटा सा चम्मच। ये गाय का घी है, नहीं तो भैंस का होता ना तो मैं खा के और भैंस जैसी हो जाती। तो गाय का घी खाने से फैट नहीं बनता, थोड़ा